पर एक बार फिर से स्वागत है। ये देखिए, ये दोनों रेड वायर है, इसको हम रेड में कनेक्शन चेक करेंगे। इससे भी चेक कर सकते हैं, आप सीरीज से भी चेक कर सकते हैं। हरे वाले को हरे हरे से करेंगे, फिर एक बार रेड वाले को दोनों एक में ज्वाइंट करेंगे और हरे वाले को एक में ज्वाइंट। देखिए, हमारा ये नहीं जल रहा, यानी हमारी बाइंडिंग है सही हुई है। फिर इन चारों को एक में ज्वाइंट कर देंगे। इसे हम बॉडी का अर्थ चेक करेंगे कि हमारे बॉडी में अर्थ आ रहा है कि नहीं। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का अगर इस पर जंग खाया हुआ है तो इस पर थोड़ा पेपर मार लेंगे। ये हमारी बैरिंग है, बैरिंग हमारी बहुत बुरी तरह से जाम हो चुकी है। जब हमारा फैन का मोटर जला था, उसकी सारी ग्रीस इसमें सूख गई थी जलकर, इसलिए बैरिंग अगर सही है तो इसको हम दोबारा सर्विस करके लगा देंगे। अगर बैरिंग डैमेज है, इसमें चाल आ रही है, तो इसको हम नई बैरिंग इसमें डाल देंगे। देखिए, हमारी बैरिंग पूरी तरह से जाम है। इसको हम इसका खोल कर देखेंगे। इसको हम डीजल से या पेट्रोल से आप लोग धो सकते हैं, या मिट्टी का तेल हो उससे भी धो सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पे डीजल डाल रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटे के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि हम कोई भी अगली वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और हमारी वीडियो देख सकें। इससे रिलेटिव वीडियो हम इस पर डेली लेकर आते रहते हैं। देखिए, इसको हम ऐसे ऐसे ठोक देंगे ताकि इसके सारे कचड़े बाहर निकल जाएं। इससे साफ कर सकते हैं, टेस्टर पेचकस नुकीला कोई भी चीज़ हो, नहीं तो इस पर आपके पास अगर ब्रश हो तो ब्रश से साफ करिए। देखिए, हमारी ये फ्री हो रही है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, इसके बाद इसको घुमाएंगे और ये स्मूथ चलने लगेगी। फिर इसके बाद हम इसमें बहुत अच्छी तरह से ग्रीस इसमें डालना है। ग्रीस इधर से डालिए कि उधर ग्रीस फेंक दे बाहर, और पहली बार ग्रीस अगर कचड़ा फेंक रहे तो इसको इधर से ग्रीस दबा कर डालते जाइए कि जब तक उधर साफ ग्रीस ना निकल जाए। हमारे बैरिंग में कोई चाल नहीं, हमारी बैरिंग एकदम सही है। बस इसमें ग्रीस की वजह से जाम हो रखी थी जलने की वजह से पंखे के, इसलिए हमें दूसरी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको अच्छी तरह से इसमें बैठा देंगे। आप यहाँ पे धीरे धीरे चोट मारिए जब तक ये अच्छी तरह से बैठ नहीं जाए। देखिए, हमारी ये बैरिंग बैठ गई अच्छी तरह से। इसके ऊपर का ये ढक्कन है, इसको हम भी साफ कर देंगे। आप ऐसे ही साफ कर सकते हैं। इसको भी हम यहाँ पे टाइट कर देंगे। यहाँ पे तीन स्क्रूप लगे हैं, तीनों स्क्रूप को हम लगा देते हैं। आपका कोई सवाल जवाब हो तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे लिख सकते हैं। आप हमारी जो वीडियो मिस कर चुके हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इससे रिलेटिव कई वीडियो सारी पड़ी है। देखिए, हमारा ये फ्री हो गया। अब नीचे इसके में बूस लगा है, नीचे बैरिंग नहीं है, इस बूस में भी डाल देंगे थोड़ा सा हल्का सा ग्रीस। देखिए, हमारा इसमें ग्रीस पड़ गया, थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डाल देंगे, थोड़ा सा फिसलापन हो जाए। अब इस हम को हम बैठाएंगे। देखिए, हमारा ऊपर का ढक्कन भी बैठ गया। अब बैठाने के बाद एक बार इसको घुमा कर देख लेंगे फ्री चल रहा है या टाइट चल रहा है। इसको हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा कहीं बैठाने में वायर डैमेज तो नहीं हो गया। देखिए, हमारा सही है। जैसे हम पहली बार चेक किए थे वैसे दोबारा फिर चेक कर लेंगे। देखिए, इन सारे तार को एक में मिलाकर फिर हम बॉडी का अर्थ चेक कर लेंगे कि हमारा कहीं बाइंडिंग कटा नहीं तो था कि बॉडी में अर्थ ना जाए। हमारा ये ओके है। फिर यहाँ से इसमें से हम वायर बाहर निकाल देंगे।
अब इसका हम लगाते हैं कंडेंसर। कंडेंसर को अच्छी तरह से हम इसमें सीट को बैठा देंगे। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, ये लूज ना रखें। फिर यहाँ पे हमारा ये चार कनेक्शन है, इसमें से एक हरा वाला लेंगे, हरे वाले में कंडेंसर का एक वायर इसमें जॉइंट कर देंगे। कंडेंसर में से दो वायर आ रहा है, एक कंडेंसर का और एक इसमें हरे वाले को, दोनों एक में अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। टाइट करके जो ये लगा है इसके बीच वाले में इसको हम पेंच पे लगा देंगे। पेंच पे लगा कर अच्छी तरह से इसको टाइट कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा पंखे का तीन वायर बच गया, एक कंडेंसर का, तो एक हरे वाले को और एक लाल वाले को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। अब हमारा एक कंडेंसर का और एक पंखे का बचा है, उसको आपस में ज्वाइंट कर देंगे। अभी हमारा कनेक्शन पूरा हो गया। अभी हमारा कनेक्शन उल्टा चलेगा या सीधा चलेगा फैन, इसको हम चला कर देखेंगे तभी पता चलेगा। अगर उल्टा चलेगा तो इनका वायर बदलना पड़ेगा। पहले एक बार इसको हम लगा कर और इसको चला कर दिखाते हैं कि ये उल्टा चल रहा है या सीधा चल रहा है, उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। आप हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, अगर वीडियो स्क्रिप्ट करके देखेंगे तो आपको जानकारी समझ में नहीं आएगी। देखिए हमारा एक कनेक्शन हो गया, अब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसको हम सीरीज में चेक करेंगे। आप जब भी चेक करें कोई तो सीरीज में ही चेक करें, पहले इसमें से हम लगा कर बॉडी में चेक कर लेंगे कि बॉडी में तो अर्थ नहीं आ रहा है, हमारी बॉडी सही है। यहाँ से हम लगा कर देखेंगे, देखिए ये हमारा फैन उल्टा चलने लगा। ये हमारा फैन, जबकि इसको घड़ी की दिशा में सीधा चलना चाहिए, इसलिए हम इसका कनेक्शन खोलेंगे। जो बीच में हम लगा रखे हैं कंडेंसर वाला वायर, उसको नहीं खोलेंगे। ये दोनों लाल वाले वायर को खोल देंगे, एक कंडेंसर का भी इसमें से खोल देंगे। अब ये लाल वाला वायर बस यहाँ पे बदल देना है, जिसमें लाल वाला वायर कंडेंसर में था उसको फैन वाले हरे वाले वायर में लगा देना है। अब इसको हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, यहाँ नीचे भी इसको हम टाइट कर देंगे। अब इसको हम लगा कर देखते हैं। अब देखिए हमारा फैन है सीरीज में सीधा चलने लगा, अब हमारे सीधी दिशा को घूम रहा है। अब इसको हम करंट से डायरेक्ट लगाते हैं बिना सीरीज का बगैर, देखिए हमारा ये काफ़ी अच्छी स्पीड पे चल रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें, हमारे वीडियो देखते रहें।